हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो स्ट्रीट का फेवरेट भी रहा है और काफी कमजोर मार्केट में भी, इवन कोविड जैसे समय में भी कोई खासा करेक्शन यहां देखने को नहीं मिली थी और फिलहाल ये स्टॉक मल्टी ईयर लो पे चल रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं। कंपनी की स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, अपने हाइस से काफी टूटा हुआ है और जो है नियर जो है मल्टी ईयर लो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें ट्विटर और इंश्योरेंस स्पेस के जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं वहां पर जो है शायद ही किसी स्टॉक में आपका पैसा बना हो। कुछ स्टॉक्स की अगर मैं आपके सामने बात करूं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, आईपीओ से लेकर अब तक शायद कोई बड़ा पैसा बना हो। इंडिया की लार्जेस्ट एशिया की रीइंश्योरर कंपनी जीआईसीआरई अपने आईपीओ के प्राइस से 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। स्टार हेल्थ आईपीओ से 40% नीचे। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की तीन हाल ही की लिस्टेड कंपनी, तीन चार हाल ही की नहीं कहूंगा, 5 साल हो चुके हैं, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आईपीओ प्राइस से नीचे चल रहे हैं, पर कोई बहुत बड़ा पैसा 5-6 साल में नहीं बना है, जबकि ये स्पेस काफी डिमांडिंग है। इसके अलावा इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है और जो है लॉन्ग वे टू गो फॉर इंश्योरेंस है। अगर आप ग्लोबली इंडिया को कंपेयर करते हैं जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस में तो डिमांड काफी बढ़ी है। जिस तरह से जो है ऑटो सेगमेंट में जबरदस्त बूम चल रहा है तो यहाँ डिमांड बहुत बढ़ी है, बट उसके बाद भी ना नंबर्स में ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। उसका रीजन जो है मैं आपके सामने आगे शेयर करता हूँ। ये चार्ट जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का आप देखेंगे, स्टॉक मल्टी ईयर लो के आसपास चल रहा है। कोविड के समय पे जो इसने लो बनाया था उसके आसपास ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अपने 1600 रुपए के हाई से टूट के फिलहाल 1100 रुपए के आसपास ये काउंटर आ चुका है। फ्रेंड्स, क्या वो रीजन है, क्या जो चीजें हैं इंश्योरेंस सेक्टर को हर्ट कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो क्लेम का रेशियो बहुत हाई है, बोथ इन हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस स्पेस में क्लेम्स काफी हाई हैं और कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्रीमियम और सिवियरिटी के साथ इंश्योरेंस कंपनीज नहीं बढ़ा पा रही हैं, जो कहीं ना कहीं मार्जिन पर प्रेशर डाल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में देखोगे तो नए जमाने के डिजिटल कंपनीज बहुत आ गई हैं, जो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग कंपनी का मार्केट शेयर खा रही है, बट जो नया जो है बिजनेस आ रहा है उसका एक बड़ा चंक उनके पास भी जा रहा है, जो डिजिटल वर्ल्ड की नई कंपनीज आ गई हैं, तो यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा न्यू एज कंपनीज जैसे गोडेज वगैरह की हम बात कर रहे हैं वो आ चुकी हैं। एक और फैक्टर फ्रेंड्स जो है रिलायंस का भी फैक्टर बहुत बड़ा है कि माना जा रहा है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में एक जो है आने वाले टाइम में जो है बड़ी ग्रैंड ओपनिंग कर सकता है। उसके लिए हायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो डीमर्ज होकर अक्टूबर तक लिस्ट हो जाएगी, उसके बड़े एम्बिशियस ड्रीम है जो है जनरल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर इन करने की मार्केट कोशिश कर रही है। हालांकि ये अभी जो है कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, बट करंट में भी ये सेक्टर बहुत स्कैटर्ड हो चुका है और बहुत ज्यादा कंपनीज यहाँ आ चुकी हैं। 3-4 स्पेस की कंपनीज अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सेक्टर से ही जुड़ी हुई, बीएफएसआई स्पेस से, एक इंश्योरेंस का सेक्टर, एक एएमसी का स्पेस और एक क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, तीनों में ग्रोथ बहुत हुई है, बट कोई एक पर्टिकुलर कंपनी को बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कॉम्पिटिशन में बिजनेस स्कैटर्ड हो गया, उल्टा मार्जिन गिरे हैं और इतना बिजनेस बढ़ने के बाद भी ये स्टॉक 3-3, 4-4 साल जो है कि जो 4 साल पहले के लोज है वहां पर ट्रेड कर रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स को आप देख लो, इंश्योरेंस कंपनीज की मैंने बात करी है, एएमसी कंपनीज देख लो, कहीं भी इतनी ग्रोथ के बाद में शेयर होल्डर का पैसा नहीं बना है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर काफी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यहां पर आई थी Q4 के रिजल्ट्स के बाद, ठीक ठाक रिजल्ट्स आए थे। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि रिजल्ट्स आए हुए काफी समय हो चुका है, पर वहां से भी स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। जेफरीज ने 1560 रुपए का टारगेट दिया था, जेपी मॉर्गन ने 1160 का, यस सिक्योरिटीज 1245, मॉर्गन स्टैनली 1400, मोतीलाल ओसवाल का 1400 रुपए का टारगेट था, मॉर्गन स्टैनले का भी 1400 रुपए का टारगेट है, जेफरी सबसे ज्यादा बुलिश है 1560 रुपए का टारगेट है। दो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में चाहे वो क्लेम्स को लेकर हो चाहे कंपटीशन को लेकर हो, यहां पर चैलेंजेस तो हैं क्योंकि प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगा कॉम्पिटिशन की वजह से जिस हिसाब से क्लेम आ रहे हैं, और एक्सपेंसिस यहाँ पर इन कंपनीज के बढ़ रहे हैं, तो वो एक रीजन तो क्लियर कट है यहाँ पे। पर हर स्टॉक मार्केट में एक बात बोली जाती है कि स्टॉक भाव से अच्छा या खराब होता है,
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पहले 1400-1500 रुपए पे महंगा लगता था, वहां से लगता था अपसाइड पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, अभी 1090 के आसपास स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लगने लगा है। 1050 के आसपास का इसका 52 वीक का लो है, अगर ये इसको ब्रेक करके 1000 रुपए के आसपास मिलता है तो वो लेवल मेरे को और अट्रैक्टिव इस स्टॉक के हिसाब से लगते हैं। कंपनी बढ़िया है, 14% के आसपास का इसका बड़ा मार्केट शेयर है जो है जनरल प्राइवेट सेक्टर में, ये लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो इसको जो एक्सपीरियंस है जितने समय से ये मार्केट में है वो यहाँ पर जो है एक जो इसकी मोनोपोली है, जो इसकी लिगेसी है, उसका बेनिफिट इसको मिलता रहेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके पॉलिसी होल्डर फंड्स के भी और नॉन पॉलिसी होल्डर फंड्स के भी 43,000 करोड़ के, हालांकि उसमें जो नॉन इक्विटी पोर्शन है उसका जो अनरियलाइज्ड लॉस है दोनों को अगर हम सेट ऑफ कर दें तो वो 1.2 बिलियन के आसपास है, जो काफ़ी बड़ा है। इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्होंने बताया था, बट फिर भी सारी मैं निगेटिव न्यूज़ को फैक्टर्ड इन कर लेता हूँ तो वो आज के प्राइस में कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन है। मार्केट में एक बड़ा रन पिछले 1.5 महीने से देखने को लगातार मिल रहा है, 1.25 महीने से, और कहीं ना कहीं मार्केट यहां रुक सकती है, थम सकती है। हालांकि जिस तरह से यूएस में आज न्यूज आई है और एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कल या परसों में आपको निफ्टी में एक नया हाई देखने को मिल सकता है, बट फिर भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन करेक्शन आना चाहिए। ऐसे में ऐसे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं जहां पर कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने के जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं इन स्टॉक्स में भी। एएमसी कंपनीज में भी, एसबीआई कार्ड ने भी नीचे के स्टॉक से काफी जो है बाउंस बैक दिखाया है, तो ये जो हाईली कॉम्पिटेटिव सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ काफी एक्सपेक्टेड है वो कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने के संकेत दे रहे हैं। क्वालिटी वाइज ये कंपनी बहुत बढ़िया है, और भले ही जियो की एंट्री शॉर्ट टर्म में जो है इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है अगर अग्रेसिवली जियो यहाँ पर आता है, पर ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको आप डिस्काउंट पे बेच दोगे, क्योंकि यहाँ क्लेम्स का बहुत बड़ा जो है फैक्टर है और वो रहेगा, तो ये कोई इस तरह का बिजनेस नहीं है। कॉम्पिटिशन जरूर बढ़ेगा बट ऐसा कोई प्राइस वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो उसके चांसेस तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। फ्रेंड्स, फर्दर कोई क्वेरी आपके इस वीडियो को लेकर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।